नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य दादा और आप देख रहे हैं एजे मोटिवेशनल पॉइंट। साथियों, आज आप लोगों को खुश रहने के 5 स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो आप लोगों को कभी भी आप अपने जिंदगी में कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, ना ही परेशान होंगे, हमेशा खुश रहेंगे आप लोग। तो इन 5 स्टेपों को आप लोग अपने जीवन में उतारें, इसे फॉलो करें। पहला स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग रखें। आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने गोल पर ध्यान केंद्रित करें और साथ ही साथ याद रखें, कभी भी आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। दूसरा स्टेप है कि निगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नकारात्मक सोच को दिलो दिमाग से हमेशा के लिए हटा दें। दोस्तों, हम मानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम निगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोग चाहें तो निगेटिव थॉट को धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। तो दो तीसरा स्टेप है हॉबी को फॉलो करें। जी हाँ, यदि आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो हॉबी को फॉलो करिए, जिससे आप अपने लाइफ में कभी भी बोर नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। चौथा स्टेप यह है कि आप घर वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जी हाँ, आप अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, समस्या, दिक्कत है, किसी भी तरह का टेंशन है, तो आप कोशिश करें कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ शेयर करें, जिससे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो कोशिश यही रहे कि आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने परिवार के सभी सदस्यों से साथ शेयर करें। पांचवा स्टेप हमारा यह है कि यदि आपके जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाए और समस्या आपके सामने खड़ी हो जाए, तो कोशिश करें कि आप हमेशा समस्या का समाधान के बारे में सोचें, न कि समस्या के बारे में सोचें। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूरतमंदों के पास शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।